subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को दादी माँ कहानी का जो सारांश है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। दादी माँ कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं और उन्होंने इस कहानी में जो कुछ उनके बचपन के दिन भी गांव में रह कर के बीते एवं सामाजिक जो चित्र है यानी सामाजिक रूपरेखाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उन्होंने इस कहानी में इन सारी बातों का उल्लेख किया है जो गांव समाज में देखने के लिए मिलता है। अब जैसे मैं कुछ उनके बारे में आपको बता रहा हूं कि लेखक क्या लिखते हैं। लेखक को अपना सारा दृश्य जो उन्होंने गांव का देखा था वह याद आता है। जैसे अब गांव में सबसे पहले क्या उनको देखने के लिए मिला था, जैसे बरसात के समय में झाग भरे पानी से तालाब भर जाते थे और उसमें नहाना, फिर उसके बाद दूर दराज से जो बह करके पानी आते थे उन दृश्यों को देखना, फिर उसके बाद वह देखते थे कि वह सरी गली घास यानी क्या मोथा, ये सब देख करके उन्हें ऐसा अनुभव होता था उन्हें कि शायद गांव का जीवन इन्हीं के इर्द गिर्द भ्रमण करता है। इतना ही नहीं, अब देखिए उन्होंने ये बदबूदार पानी, स्वयं बीमार होना तथा तालाबों में नहाने का आनंद लेना इत्यादि सारी बातें शामिल थी, यानी ये सारी बातें लेखक अपने बचपन में जो देखे थे वो उनको याद आता है। इसके बाद वो लेखक को बचपन में कभी कभी बुखार हो जाता था, उसके बाद दादी माँ के द्वारा जो उन्हें दवाइयाँ दी जाती थी घरेलू दवाइयाँ, उससे पुनः वो ठीक हो जाते थे। उसके बाद नहाने का आनंद और बहुत सारी चीजें जो गांव घर के दृश्यों में देखने के लिए मिलता था उससे वह काफी अपने आप को प्रसन्न महसूस करते थे। इसके बाद है कि ये तो हुआ कि लेखक बचपन में गांव समाज में जो देखे उन बातों का उल्लेख उन्होंने किया। अब उसी में एक बार की बात है कि उन्होंने देखा कि दादी माँ एक औरत जिसका नाम धन्नो है उसे डांट रही थी। डांटने का कारण जब पता लगाया तो उन्होंने देखा कि शायद कभी उन्होंने दादी माँ से कुछ कर्ज ले रखी थी जिस कर्ज को वो समय पर चुकता नहीं कर पाई, इसी कारण से दादी माँ उन्हें डांट रही थी। लेकिन वहां पर उन्होंने क्या देखा कि शायद दादी माँ बहुत ही कठोरता से धनो के सामने अपनी बातों को रख रही थी और
यह दादी माँ के स्वभाव का एक विचित्र चित्रण लेखक के पास उपस्थित हुआ, लेखक को देखने के लिए मिला बचपन में। फिर उन्होंने क्या देखी, फिर उन्होंने सॉरी उन्होंने देखा कौन, लेखक ने। फिर लेखक ने इस बात को भी देखे कि जब धनों की बच्ची की शादी थी तो दादी माँ खड़ी होकर के चाहती थी कि इस कार्य को संपादन करें, और उन्होंने धनों से कही थी कि तुम थोड़ा भी चिंता मत करना, जो भी खर्च होगा उसके लिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसमें पूरा करने की हर संभव प्रयास करूंगी। यह जो बात लेखक को देखने के लिए मिला था बचपन में, शायद यह दादी माँ के किस स्वभाव को उजागर करता है कि दादी माँ दयालु स्वभाव की भी थी। इन बातों से पता चलता है कि दादी माँ दयालु स्वभाव की भी थी। तो ये आपने देखा दादी माँ के दो स्वभावों के बारे में। एक बार तो आपने देखा कि दादी माँ धनों को डांट रही थी कर्ज के लिए, जो समय पर चुकता नहीं कर पाई। फिर आपने क्या देखा कि दादी माँ धनों के लिए धनों की बच्ची की शादी में हर संभव सहायता देने के लिए प्रयास की है। तो यह दादी माँ के दयालुता का स्वभाव को दिखलाता है। इससे यह पता चलता है कि दादी माँ दयालु स्वभाव की थी। इसके बाद दादी माँ को, दादी माँ को देखकर लेखक को उनकी वेशभूषा भी उनके आंखों के सामने दिखाई देने लग जाती है। लेखक को अपने बचपन में ज्वर की घटना, ज्वर माने शब्द आपको पता होगा, ज्वर का बुखार होता है, यानी ज्वर की घटना भी याद आती है। उसके बाद जब दादी माँ ने दवाई इत्यादि लाकर उनकी सहायता की थी, उन बातों की भी याद लेखक को आता है। यानी लेखक उन सारी बातों को याद करते हैं कि कैसे वो बचपन में बीमार पड़े थे, कैसे दादी माँ उनके लिए दवा का इंतजाम की थी, कैसे दादी माँ के दवा से पुनः वह जब ठीक हो जाते थे तो फिर दादी माँ का आसने उनको कैसे मिल, किस तरह से प्राप्त होता था समय समय पर। इन सारी बातों को उजागर लेखक ने इन कहानी में, दादी माँ कहानी में की है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो लेखक को किशन भैया की शादी की याद भी आती है। यानी क्या, किशन भैया एक का जब शादी हुआ था तो वो सारी बातें भी लेखक के सामने फिर उनके सामने दिखाई देने लग जाती है। यानी क्या, वह उसको देखते हैं, महसूस करते हैं जो शादी में कैसे शादी, किशन भैया की शादी हुई थी, उसमें क्या सब रस्म पूरा करना पड़ा था, कैसे कैसे करना पड़ता था, उन सारी बातों की याद लेखक को यानी याद आ रही है, याद आती है। उसके बाद देखिएगा उस समय, जिस समय किशन भैया की शादी थी वो बीमार भी थे, दादी माँ की सलाह से ही घर के सारे काम पूर्ण होते थे। दादी माँ संकट की घड़ी में सहायता करने के लिए आगे आती थी। दादी माँ कभी अपने बच्चों को घबराए हुए परिस्थितियों से नहीं देखना चाहती थी। दादी माँ उन्हें पूरा अपनी हर तरह की सहायता, यानी क्या धन से, संपत्ति से, उसके बाद वह कुछ बचा करके भी रखी हुई थी, कुछ आभूषण भी वह बचा करके रखी हुई थी, जिसे उन्होंने अपने
लिए नहीं बल्कि अपने सखा संतान के लिए, यानी क्या संतानों के लिए समय पर काम आ जाए, इसके लिए हमेशा सोचा करती थी। और जब कभी भी आफत में लेखक रहते थे तो वो क्या कहते थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह आभूषण भी तेरे लिए ही है। इस तरह से दादी माँ के स्वभावों को देख करके हमें ऐसा पता चलता है, अंततः हम कह सकते हैं कि दादी माँ का स्वभाव कोमलता से भरा हुआ था। थोड़ी बहुत सामाजिक चित्रण, जो समाज में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, देखने के लिए मिलता है, उन सब के बावजूद अगर हम देखते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि दादी माँ कोमल स्वभाव की थी, दयालु स्वभाव की थी, सुख दुख में सहायता की जिम्मेवारी भी उठाती थी। इस तरह से बच्चों, दादी माँ कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जब भी कोई आफत आसमानी आए तो धैर्य पूर्वक हमें काम लेना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी आगे आना चाहिए। तो इस तरह से दादी माँ कहानी का जो सारांश था वह आपको मैंने बताया। अब आगे दूसरे क्लास में मैं इनके प्रश्न और उत्तर के बारे में आपको लिखाने का प्रयास करूंगा, प्रश्न उत्तर बताऊंगा, लिखाऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।